हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे जो सी में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप होता है। तो जो डेटा टाइप है वो मैंने एक तो प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप, ठीक है। तो जो आज प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसमें पांच फर्दर सब कैटेगरी हैं, तो उसमें आज हम लोग बात करेंगे इंटीजर की। तो पाँच जो कैटेगरी है वो है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल फ्लोट एंड वॉइड, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इंटीजर डेटा टाइप है उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और कोई भी मतलब अगर तुम्हारे प्रोग्राम में इंटीजर वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को अपना सेव कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इंटीजर इंटीजर पे बना रहा हूँ, तो ठीक है, तो इंटीजर पे हम लोग ठीक है, तो ये मैंने फाइल सेव कर ली। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि जो इंटीजर होता है तो सी में जो बेसिकली है, अगर कोई इंटीजर है तो उसको हम लोग जो इंट जो कीवर्ड है इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मतलब अगर तुम्हें कोई इंटीजर को डिक्लेयर करना है या उसे यूज़ करना है तो उसके लिए तुम्हें कीवर्ड इंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इस एलिमेंट, जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए, ठीक है, तो एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, तो अगर इस वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना है तो इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा परसेंटेज डी, इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा परसेंटेज डी, ठीक है। तो परसेंटेज डी क्या करेगा, परसेंटेज डी से डिफाइन होता है कि जो परसेंटेज डी है ये सिर्फ जो है इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेस करेगा। अगर अपने प्रोग्राम में बनाते हैं और कहीं पर भी परसेंटेज डी लिखते हैं, ठीक है, तो वो जो प्रिंट करेगा ए की जो वैल्यू, अगर ये इंटीजर होगा मतलब उसकी इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट करेगा परसेंटेज। और आगे हम लोग देखेंगे जब कैरेक्टर लेते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, और अगर फ्लोट होगा तो क्या लिखेंगे या डबल फ्लोट होगा तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक बातें जो है इसमें याद रखिए, अगर कोई इंटीजर तुम्हें अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो उसके लिए इंट लिखना है, उसके बाद अपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। अब यहाँ पे तुम एक साथ कई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं ए, ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल एक साथ आप डिक्लेयर कर, लेकिन वो सेम टाइप के, अगर इंटीजर है तो इंटीजर ए बी, ऐसे मल्टीपल तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर उनको एक्सेस करना है तो उसके लिए तुम्हें परसेंटेज डी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक से अपना, ठीक है, हैज इंक्लूड stdio.h int main, ओके। तो यहाँ पे ये तो एक बॉडी हो गई है, ठीक है। तो मतलब किसी को प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक फाइल इंक्लूड करेंगे जो कि हैज़ इंक्लूड stdio.h है, ठीक है। तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर सकें ये क्या काम करता है, इस लाइन का क्या काम, मेन फंक्शन का क्या काम है, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग इंटीजर के बारे में, जो डेटा टाइप इंटीजर है उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, अगर तुम्हें इंटीजर को एक्सेस करना है या इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसको सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस कीवर्ड से हेल्प से उस वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करें, दैट इज इंट, ठीक है। इंट अगर तुम मान लो दो वेरिएबल बनाने हैं तो उसके लिए कोई भी दो जनरलाइज वेरिएबल मान लो अपने मन से, लेट ए कॉमा बी, मैंने ये दो वेरिएबल मान लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनको कुछ वैल्यू दे दी है, ए को मान लिया मैंने 10, 12 दे दिया है, और बी को मान लो मैंने 14 दे दिया है, ठीक है। तो अब मुझे ये ए और बी की वैल्यू, जैसे मैंने अपना नेम प्रिंट कराया था आउटपुट स्क्रीन पे, ऐसी मुझे ये ए और बी की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए। तो इसके लिए मैं कैसे मतलब आउटपुट स्क्रीन के लिए कैसे लिखूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जैसे मैंने भी बताया, तो अगर तुम्हें इंटीजर को आउटपुट स्क्रीन तो परसेंटेज डी का यूज़ कर, ठीक है। तो वही हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। तो परसेंटेज, ठीक है, ये जो डबल कोट्स है, डबल कोट्स के अंदर ही वो आप हम लोगों को परसेंटेज डी लिखना है, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर हम लोग परसेंटेज डी लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये जो परसेंटेज है इससे क्लियर हो जाता है कि हम लोग कोई वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं वो जो है इंटीजर टाइप की है, ठीक है। तो वो इंटीजर टाइप की है, लेकिन कौन से इंटीजर की वैल्यू, यहाँ पे दो इंटीजर हैं ए और बी, यहाँ पे तो बताना पड़ेगा कि मतलब हमने कौन सी इंटीजर की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा। तो यहाँ पे जौन से इंटीजर की वैल्यू को आप प्रिंट कराना चाहते हैं उस इंटीजर वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। जैसे अगर ए की प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ए लिख दीजिए, और सिमिलरली आपको बी की भी वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसके लिए भी सेम तरीका, यहाँ पे परसेंटेज डी जो है वो इससे पता चल जाएगा कि मुझे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है,
और यहाँ पे सेम तरीके से अगर मुझे बी की वैल्यू प्रिंट कराएं तो बी की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा ही है स्लैश बैक स्लैश एन का यूज, ठीक है। तो वो बैक स्लैश अगर आपको डिफरेंट लाइन में आउटपुट चाहिए है तो उसके लिए बैक स्लैश एन लगा दो दोनों लाइनों के एंड में, ठीक है। तो दोनों लाइनों के एंड में यहाँ पे बैक स्लैश, बस ये याद रखना जो बैक स्लैश एन है वो डबल कोट्स के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर अगर हम लोग बैक स्लैश एन लिखते हैं, ठीक है, तो वो तभी वर्क करेगा, ठीक है। तो ये जो हम लोगों को हो गया प्रोग्राम हो गया रेडी। यहाँ पे वही बेसिक सी बात है कि हमने यहाँ पे एक फाइल हैज इंक्लूड एसटीडीआईओ है जो कि कंपाइलर को बताएगी कि इस फाइल को इंक्लूड कर लो, उसके बाद मेन फंक्शन डिक्लेयर। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाते समय मेन फंक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि यही जो फंक्शन है यही कॉल करेगा, यही बताएगा कि मुझे ये सब स्क्रीन पे चाहिए, यही एग्जीक्यूट तभी होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इन टाइप का, मैंने मतलब डेटा टाइप जो है इंटीजर की आज बात हम लोग कर रहे हैं, तो इन टाइप का डेटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे। तो इंट ए और बी मान लिए, दो वेरिएबल मान लिए, तो ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग, अब हम लोगों को ये जो आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए थे ये दोनों वेरिएबल, ठीक है, ए और बी की वैल्यू एज आउटपुट आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए थी, तो वही मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी, ठीक है। तो परसेंटेज डी जो है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है, तो उसी का मैंने यूज किया। चलो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 12 आ गया है, 14 आ गया, ठीक है। इसको आप थोड़ा सही से लिखना लिखना सीखिए, जैसे ए इक्वल टू एंड, तो यहाँ से थोड़ा क्लियर रहता है कि मतलब अगर आपने सही से उसको प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो उससे क्लियर रहेगा कि किसकी वैल्यू आप किसको असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ए की वैल्यू 12 हो गई है और बी की वैल्यू 14 हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे आप परसेंटेज डी नहीं लिखते तो ये ए की वैल्यू 12 में आती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि परसेंटेज डी का क्या यूज़ होता है। परसेंटेज डी का जो यूज़ है वो बेसिकली अगर आपको इंटीजर प्रिंट कराना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। So please subscribe my channel and like my videos so that you can get the proper content on proper time. Thank you. Keep watching.